हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेस्टी सा डेजर्ट, बहुत ही जल्दी बनने वाला है। तो आपको एक चॉकलेट का पीस लेना है और उसको बटर के साथ मेल्ट कर देना है। यहाँ पर बनाना फ्रूट ले रही हूँ, आप कोई भी फ्रूट ले सकते हो। वैसे तो मैंने बाकी के साथ ट्राई नहीं किया, बट आप स्ट्रॉबेरी, एप्पल और मतलब काफ़ी सारे और भी फ्रूट्स ले सकते हो। तो इसके बाद मैंने क्या किया, बनाना को ऐसे बीच में कट करके ना उसमें आइसक्रीम स्टिक डाल दी। इसके बाद आइसक्रीम स्टिक डालने के बाद मैंने इसका जो कवर है उसको पील कर दिया। थोड़ा सा अगर राइप बनाना है तो वो भी चलेगा, क्योंकि मैं तो खा लेती हूँ ऐसे थोड़ा बहुत राइप बनाना। कच्चा बनाना जो होता है बिल्कुल उसमें ये टेस्टी नहीं लगेगा, मीठा होना चाहिए। एंड उसके बाद जो हमने चॉकलेट और बटर को मेल्ट किया था उसमें हम अपने बनाना को अच्छे से कोट कर लेंगे। मैं यहाँ पर एक ही बनाना का बना रही हूँ, आप चाहो तो और भी ज़्यादा ले सकते हो। एंड अगर आपकी रेसिपी अच्छी लगेगी तो मैं बाकी फ्रूट्स के साथ भी ट्राई करूँगी, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैंने बनाना जो दोनों पीसेज है बनाना के उनको अच्छे से चॉकलेट के साथ कोट कर दिया था। आप यहाँ पर वाइट चॉकलेट भी ले सकते हो, वाइट और डार्क को मिक्स करके भी बना सकते हो, बट मैंने काफ़ी बेसिक बनाया था एक ही चॉकलेट को यूज़ करके। आप दो चॉकलेट के साथ भी बना सकते हो। एंड मेक श्योर कि आप इसकी स्टिक को बिल्कुल बीच में इंसर्ट करो, वरना चॉकलेट और बनाना जो ये आपका है वो गिर भी सकता है। इसके बाद मैंने इसको अच्छे से कोट कर लिया चॉकलेट के साथ, और मैंने चॉकलेट में कोई मिल्क वगैरह कुछ नहीं डाला था, डायरेक्ट किया था क्योंकि हमें थिक कोटिंग चाहिए। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़े से जो मेरे पास घर पर स्प्रिंकलर्स पड़े थे मैंने वो डाल दिए थे। आप चोको चिप, चोको गनाश कुछ भी डाल सकते हो इसके ऊपर, जो आपको टेस्टी लगता है। तो मैंने इसके ऊपर रेनबो स्प्रिंकलर्स डाले थे। आप चाहो तो घर पे भी बना सकते हो चोको चिप्स, एंड वो भी डाल सकते हो। ये रेसिपी एक तरीके से काफी हेल्दी भी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट यूज करी थी जो कि थोड़ी बहुत हेल्दी होती है, एंड बनाना तो हेल्दी होता ही है। तो आप लोग ये जरूर ट्राई कर सकते हैं। मैंने इसको एक घंटा के लिए फ्रीज कर दिया था, एंड उसके बाद इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा यमी था। मतलब कि जैसे आप इसकी फर्स्ट बाइट लेते हो बहुत ही टेस्टी, अंदर से सॉफ्ट बनाना और बाहर से चॉकलेट के लेयर। जरूर ट्राई करना, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब टू फूड बूट इंडिया।